जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको हैंड बैग बनाना सिखाएंगे। अब हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे उसके लिए हम चेन बनाएंगे। टू थ्री और ये फोर। अब हमने ये फोर की चेन बनाई। अब हम इसे फर्स्ट में लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद अब हम जहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हम टू की चेन लेंगे, और यहीं से आप स्टार्ट करेंगे। जहाँ से आप टू स्टिच लेंगे इसे बढ़ाने के लिए हम इस फुल सर्कल में हम टू स्टिच लेंगे। अब जहाँ से हम बढ़ाते आएंगे इसी तरह अब हम जहाँ से टू स्टिच लेंगे इस राउंड में हम जहाँ से हम थ्री स्टिच लेंगे, थ्री स्टिच के बाद हम बढ़ाएंगे। वन टू और ये थ्री। अब जहाँ से हम डबल स्टिच लेंगे अब हम इसी तरह इस पीस को बढ़ाते आएंगे। अब हम जहाँ से डबल स्टिच लेंगे ये वन और ये टू। इस राउंड में हम जहाँ से फाइव स्टिच लेंगे, फाइव स्टिच के बाद फिर हम इसे बढ़ाएंगे। थ्री थ्री फोर फाइव। अब हम जहाँ से डबल स्टिच लेंगे अब हमने ये पीस कंप्लीट किया। अब हम इसकी बैक साइड से स्टिच लेंगे। अब हम यहाँ से स्टिच लेंगे। अब हम इसी तरह फुल राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब हम यहाँ से सेकंड राउंड स्टार्ट करेंगे जहाँ से हम चेन लेंगे और यहीं से हम स्टार्ट करेंगे चेन के साथ। अब हम इसे जहाँ से लॉक करेंगे
इसी तरह के हमने ये टू पीस बनाया, ये फर्स्ट है और ये सेकंड पीस हमने ये बनाया। अब हम इसके ऊपर रख के इसी तरह हम अच्छे तरीके से इसे लॉक करेंगे। अब हम इसको सेंटर में इस तरीके से लॉक करेंगे। अब हमने इन दोनों पीसीस को आपस में जोड़ा है। अब जहाँ पे इसके सेंटर में चाहे तो आप जेब जा बटन वगैरह लगा सकते हैं। अब हमने इसके जो सेंटर में से स्टार्ट किया इसके बेल्ट बनाने के लिए, अब हम जहाँ से 2-3 की चेन लेंगे। थ्री की चेन लेने के बाद अब हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब हम इसे जहाँ से लॉक करेंगे अब आप जहाँ से स्टिच लेंगे अब हमने इसे जहाँ से लॉक किया इसके बाद हम इसके ऊपर फ्लावर लगाएंगे। अब हम फ्लावर बनाएंगे उसको इसके ऊपर लगाने के लिए। जो हमने ऑफ वाइट कलर का जो फ्लावर बना रहे हैं, चाहे तो आप रेड कलर में भी इस तरह का जो फ्लावर बना के इसके ऊपर लगा सकते हैं। अब हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे, जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हम इसकी चेन बनाएंगे। चाहे तो आप 5 की या 3 की चेन बना सकती हैं। ये जहाँ से आप 5 की चेन बनाएंगे, 2, 3, 4 और 5, जहाँ से हमने 5 की चेन बनाई। और आप हम इसे फर्स्ट चेन में से इसे लॉक करेंगे। जहाँ से लॉक करने के बाद अब हम यहाँ से 3 की चेन लेंगे। यहाँ से जब हमने 3 की चेन ली और उसी के साथ हमने इसे लॉक किया, इसी तरह अब हम इसके जो 5 पेटल बनाएंगे, 3 ये लॉक, 1, 2 और 3, अब हमने इसके साथ इसे लॉक किया। अब हम यहाँ से 3
अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से हम 5 स्टिच लेंगे, 5 या 7 स्टिच ले सकते हैं, 2 3 4 5 6 7। अब हमने जहाँ से 7 की 7 स्टिच लिए, अब हम यहाँ से 2 की चेन लेंगे। 2 की चेन लेने के बाद हम इसे फर्स्ट यहीं इसके साथ हम लॉक करेंगे, और जब हम नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए हम 2 की चेन लेंगे इसी तरह, जैसे कि हमने इसे लॉक करने के लिए चेन ली थी। और आप इस जहाँ से स्टार्ट करने के लिए अब हम उसी तरह की चेन लेंगे, और यहाँ से भी हम 7 स्टिच लेंगे। अब हम इसकी बैक साइड से इसे लॉक करेंगे। यहाँ से लॉक करने के बाद हम पहले हमने 3 की चेन ली थी, अब हम 6 की लेंगे, 3 4 5 और 6। अब हम इसके सेंटर में से इसे लॉक करेंगे, यहाँ से, और यहाँ से हम चेन लेंगे, 7th पेटल बनाएंगे, जहाँ पे हमने 5 पेटल बनाई थी, और जहाँ से हम इसे लॉक किया, 1 2 3 4 5 और 6। अब हम यहाँ से 9 स्टिच लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब हम इसे यहाँ से लॉक करेंगे, अब हम इस फ्लावर को नीडल के साथ इसके ऊपर लगाएंगे जहाँ पे